हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गुरविंदर कौर, सीनियर फैकल्टी अभिमन्यु आईएएस। ए वेरी वॉर्म वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। और आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं प्रीलिम्स के पीवाईक्यू फॉर पंजाब सिविल सर्विसेज। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, क्वेश्चन है हमारा 59 नंबर क्वेश्चन। ठीक है जी, तो पढ़ो फिर क्वेश्चन फटाफट से। तो क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट, विच इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ये बताना है आपको। हाँ जी, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है बताओ भाई। तो सुकर चकिया दैट इज नॉर्थ सिंह, बिल्कुल सही है ना। निशान वालिया दोसांध सिंह, ठीक है दोसांध सिंह, ठीक है। पंगी हरी सिंह, नकई जय सिंह, नहीं जय सिंह नहीं सिगा, दैट इज हीरा सिंह। ठीक है, तो नॉट करेक्टली पूछ है, तो कौन सा ऑप्शन होगा स्टूडेंट यहाँ पे बताओ फिर। डी ऑप्शन, राइट, डी ऑप्शन इज अवर नॉट करेक्ट, इट इज हीरा सिंह नॉट अ जय सिंह। ठीक है जी, तो सुकर चकिया नॉर्थ सिंह, राइट, निशान वालिया दोसांध सिंह, ठीक है, बंगी हरी सिंह और नकाई हीरा सिंह। ठीक है जी, तो ये सब की क्या थी हमारी मिसल्स थी ये। ठीक है, ओके, 60 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। हाँ जी, अब पढ़ो। पढ़ो। हाँ जी, कहता है गिवन बिलो आर फोर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स फ्रॉम सिख हिस्ट्री। सिख हिस्ट्री के चार इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं, कौन कौन से पहले हुए, कौन कौन से बाद में हुए, ये पूछे गए। ठीक है, तो बताओ कौन कौन से हुए हैं पहले और कौन से बाद में हुए हैं। हाँ जी, तो पढ़ो फिर क्वेश्चन। अच्छा, चार ऑप्शन है, छोटा कल्लूकारा द एग्जीक्यूशन ऑफ भाई मनी सिंह, वड्डा कल्लूकारा तो फोर्थ वन इज द एग्जीक्यूशन ऑफ बाबा बंदा सिंह। ठीक है, तो चारों को लगाना है आपको। सीयर स्टूडेंट, इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो ये रखनी है स्टूडेंट कि छोटा कल्लूकारा बाद में हुआ था, पहले वड्डा कल्लूकारा हुआ था और फिर आपका छोटा कल्लूकारा हुआ था। गल्लूकारा यहाँ पे छोटा बाद में हुआ था और पहले हुआ था और वड्डा जो कल्लूकारा रहेगा वो अपना पहला बाद च होया सीगा। ठीक है, ओके, सो आई थिंक सो कि मैं थोड़ा जहा मिक्स करते थे बट कोई गल नहीं। ठीक है, ओके, सो हाँ जी, क्रोनोलॉजिकल इवेंट आपको लगाने हैं यहाँ पे, तो देखो लगाओ। तो आपको इतना तो पता ही होगा कि भाई मनी सिंह जो थे उनको एग्जीक्यूट बाद में किया गया था, है ना, पहले बाबा बंदा सिंह बहादुर का हुआ था। ठीक है, तो ऑब्वियसली फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा सबसे पहले आएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बनेगा। तो फोर्थ पहले आएगा, इट मीन्स कि बाबा बंदा सिंह बहादुर को एग्जीक्यूट पहले पे किया गया, फिर बाबा अपने भाई मनी सिंह नू किया गया, फिर फर्स्ट नंबर पे छोटा कल्लूकारा होया, फिर अपना बाद च वड्डा कल्लूकारा होया। आई थिंक 10 साल का गैप सीगा, राइट, वड्डा कल्लूकारा ते छोटा कल्लूकारा च। ओके, ये पंजाब जीके के क्वेश्चन हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी पंजाबी ऐसे फ्लुएंट बन जाते हैं। ठीक है, ओके, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, बट ओके, ठीक है जी, 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, कहता है गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ फोर सिटीज ऑफ पंजाब, चार सिटीज है पंजाब की, इनको आपको वेस्ट टू ईस्ट लगाना है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हुए चारों सिटीज के नाम को आपको लगाना है, सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, तो लगाओ जी फिर फटाफट। तो देखो, मुक्तसर, मोगा, मानसा, मलेरकोटला, चारों ही सीक्वेंस में, 1 2 3 4। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा, इससे ये पता चलता है स्टूडेंट कि आपको पंजाब का मैप जो है उसके ऊपर आपकी अच्छी खासी होल्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, इंडिया के मैप पे तो होनी ही होनी चाहिए, आपको पंजाब के मैप पे भी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसकी अच्छी खासी क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है जी, कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, ब्लॉक कहाँ कहाँ पे हैं, कौन सा स्टेट में नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कौन कौन से स्टेट हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। ठीक है जी, ओके, लेट्स मूव फर्दर। हाँ जी, 62 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो स्टूडेंट।
कहता हु इंट्रोड्यूस फ्री वर्स इन पंजाबी लिटरेचर, फ्री वर्स किसने इंट्रोड्यूस किए थे पंजाबी लिटरेचर में, ये बताना है आपको। हाँ जी, तो अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को। किन्होंने किए थे? पूरन सिंह ने, है ना। पूरन सिंह जो थे उन्होंने फ्री वर्स जो है वो पंजाबी लिटरेचर में क्या किए थे, इंट्रोड्यू। ये पूरे पंजाब जीके के क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है, तो आपको इसको समझना है। हाँ जी, तो 63 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। कहता है डैश डैम इज बिल्ट ऑन ब्यास रिवर व्हाट, तो ये डैम बनाया गया है, ये ब्यास रिवर पे बनाया गया है, ठीक है, तो इस डैम का नाम क्या है आपको वो बताना है। बताओ कौन सा डैम है ये। तो कौन सा है? थैन डैम, ठीक है। थैन डैम जो है वो बिल्ट किया गया किसके ऊपर? ब्यास रिवर के ऊपर, ठीक है। नहीं सॉरी स्टूडेंट, थैन नहीं, सॉरी पोंग डैम। पोंग डैम इज फॉर्म्ड ऑन द ब्यास रिवर इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है जी, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, ठीक है जी। तो 64 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं जी, 64 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। कहता है फिलिंग द ब्लैंक्स है, कहता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब हैज़ द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट एज पर 2011 सेंसिस। 2011 के सेंसिस के हिसाब से फीमेल लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कहाँ पे है, कहाँ पे है स्टूडेंट? होशियारपुर। देखो फीमेल लिटरेसी रेट हो, या फिर अपना मेल लिटरेसी रेट, दोनों के केसेस में इन केस ऑफ 2011 सेंसिस जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है दैट इज इन होशियारपुर, ठीक है जी, ओके, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो पहले आप पढ़ लो, ऊपर वाली स्टेटमेंट पढ़ लो फिर हम नीचे आएंगे, ठीक है। हाँ जी, कहते हैं सुबेर कोकरण विल रिप्लेस राकेश मोन ऑन द एग्जीक्यूटिव बोर्ड, देखो उस टाइम का ये करंट न्यूज़ है, ठीक है, ऑन द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आपको पता होना चाहिए IMF क्या है, एक इंटरनेशनल बॉडी है ना। अच्छा, फिर है सुबेर कोकरण विल रिप्रेजेंट इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड भूटान ऑन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड। नेक्स्ट कहता है सुबेर गोकरण नेम वॉज क्लियर्ड बाई अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। फिर कहते हैं सुबेर गोकरण हैज़ बीन ए डेप्यूटी गवर्नर एट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर है द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द इंटरनेशनल मोनिटरी फंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द डे टू डे बिजनेस ऑफ द IMF। तो इसका आपको ऑप्शन का आंसर देना है, करेक्ट ऑप्शन बताइए कौन सा होगा स्टूडेंट इसमें। हाँ जी, बताओ कि कौन सा करेक्ट होगा इसमें। तो सारे करेक्ट है स्टूडेंट, सारे ऑप्शंस करेक्ट है। देखा कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आया, ठीक है, बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन आया स्टूडेंट, सब कुछ है इसमें, सारे ऑप्शन ही करेक्ट है। क्या है, क्या क्या है? सुबेर गोकरण जो थे उनको रिप्लेस किया था राकेश मोहन ने, वो रिप्रेजेंट करेंगे जितना भी हमारा साउथ एशिया उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसको क्लियर किया उनका नाम अपॉइंटमेंट कमेटी ने, वो डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं रिजर्व बैंक में, और उनका मेन काम क्या होता है, डे टू डे बिजनेस को संभालना, ठीक है। तो ऑल द अबव इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन, देखो भाई। हाँ जी, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल्स वर कंस्ट्रक्टेड एज ए पार्ट ऑफ ट्रिपल कैनाल प्रोजेक्ट दैट बिगन इन 1905। तो बताओ जी, 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर दो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट। हाँ जी,
कहता है अपर बारी दुआब केनाल, अपर चेलम केनाल, अपर चेनाब केनाल, लोअर बारी दुआब केनाल। तो कौन सा है स्टूडेंट इसमें करेक्ट ऑप्शन? सी, 2, 3, 4। ठीक है, पहला नहीं है, अपर बारी दुआब केनाल नहीं है, 2, 3, 4 तीनों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। ट्रिपल केनाल प्रोजेक्ट जो था, जो कब चला था, 1905 में शुरू हुआ था। ठीक है जी, हाँ जी। तो 67 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। हाँ जी, कहता था फर्स्ट फ्रीडम फाइटर टू इवॉल्व नॉन कोऑपरेशन एंड द यूज़ ऑफ स्वदेशी एज अ पॉलिटिकल वेपन्स वाज व्हाट? तो कौन थे जो पहले फ्रीडम फाइटर थे जो इवॉल्व थे नॉन कोऑपरेशन एंड यूज़ ऑफ स्वदेशी एज अ पॉलिटिकल वेपन? ठीक है, तो कौन थे स्टूडेंट बताओ, जिन्होंने बोला था कि भाई स्वदेशी चीज़ों को यूज़ करो, जो भारत में बनी हुई है उनको यूज़ कीजिए, बाहर को आप बाइकआउट कर दो। ये सबसे बड़ी फ्रीडम फाइटर है, ये सबसे बड़ा फ्रीडम फाइटिंग चीज़ है कि जब आप अपनी चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर दोगे, बाहर की चीज़ें जब बिकनी बंद हो जाएंगी तो उनकी गवर्नमेंट कब तक स्टे करेगी यहाँ पे, है ना? जब आप किसी सामने वाले का प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं करोगे तो वो शॉप कितना टाइम तक सर्वाइव कर सकती? ज़्यादा टाइम तक नहीं कर सकती, है ना? अगर सब उस शॉप का जितना भी माल अगर उसको रिजेक्ट कर दे तो अपने आप शॉप ख़त्म हो जाएगी। तो स्टूडेंट दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज सतगुरु राम सिंह। सतगुरु राम सिंह जो थे वो पहले फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने नॉन कोऑपरेशन और यूज़ ऑफ स्वदेशी एज ए यूज़ किया था। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट हमारा 68 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ जी, तो कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट पढ़ो स्टूडेंट। मुद्रा इज एन एजेंसी फॉर प्रोवाइडिंग इजी लोन्स अप टू ₹10 लाख टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। SC/ST एंटरप्रेन्योर्स विल बी गिवन प्रायोरिटी इन प्रोवाइडिंग लोन्स अंडर मुद्रा। मुद्रा इज ए डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी एजेंसी फॉर मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। तो तीनों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताओ भाई। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1, 1 एंड 2। सी यार, मुद्रा जो है ना, मुद्रा वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये UPSC में भी आया हुआ, UPSC का PYQ भी है। तो यहाँ पे ना स्टूडेंट एक बात आप याद रखो, थोड़ा जो PPSC है ना वो अलाइन करता है अपने आप को UPSC के पेपर के साथ। ठीक है, तो थोड़ा पेपर का आइडिया आप UPSC के पेपर देख के भी ले सकते हो, बट इतना ज़्यादा मत ले लेना। ठीक है, क्या पूरा ही उसको पढ़ने बैठ जाओ? नहीं, बस आप ये देखो कि यार जो लेवल है ना पेपर का वो डिफ़िकल्ट तो है, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, लेवल वो मेंटेन करके रख रहे हैं अपना शुरू से। ठीक है, तो मुद्रा जो है, अच्छा, 1 एंड 2 स्टेटमेंट। पहला, मुद्रा इज एन एजेंसी फॉर प्रोवाइडिंग इजी लोन अप टू 10 लाख टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। दूसरा, SC/ST एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पे लोन में प्रेफरेंस दी जाएगी। इज डेवलपमेंट रेगुलेटरी, नहीं नहीं ये गलत है। ठीक है, तो 1 एंड 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी, तो 69 नंबर क्वेश्चन पढ़ो स्टूडेंट। हाँ जी, कहता लाला लाजपत राय वाज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर। कौन से न्यूज़पेपर थे जो लाला लाजपत राय के से एसोसिएशन रखते हैं बताओ। कोहिनूर, दा पंजाबी, वंदे मातरम, दा पीपल, तो ये सारे न्यूज़पेपर ही लाला लाजपत राय से। लाला लाजपत राय पंजाब के बहुत ही तकड़े फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने जलियांवाला बाग को लेकर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था। इवन उसी की वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है ना, लाठी चार्ज में उनके लाठी लग जाती है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है ओवर ब्लीडिंग के चलते। तो लाला लाजपत राय बहुत अच्छे एक फ्रीडम फाइटर थे, है ना? तो बहुत टाइम तक उन्होंने इंडिया की फ्रीडम फाइटिंग के अंदर कंट्रीब्यूट किया और अलग अलग जितने प्रोटेस्ट थे उनके वो लीडर भी रहे। ठीक है, तो लाला लाजपत राय वाज एसोसिएटेड विद कौन कौन से न्यूज़पेपर? कोहिनूर, वंदे मातरम, दा पंजाबी, दा पीपल, सारे न्यूज़पेपर ही एसोसिएट थे किसके साथ? लाला लाजपत राय के साथ। ठीक है जी, ओके।
ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हमारा ओवर हो जाता है। तो इसी के साथ स्टूडेंट मैं ये सेशन यहाँ पे ओवर कर रही हूँ, ठीक है। तो मिलती है नेक्स्ट सेशन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मेरी एक बहुत ही बिग अनाउंसमेंट ये है स्टूडेंट कि हमारा PCS के लिए यहाँ पे बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फॉर पंजाब सिविल सर्विसेज बैच के लिए। हमारे यहाँ पे एक बैच चलने वाला है, तो बैच लॉन्च हो चुका है स्टूडेंट। तो आप फटाफट से रजिस्ट्रेशन कीजिए फॉर दिस बैच, ओके स्टूडेंट। इसमें आपको लाइव, ऑनलाइन, ऑफलाइन मोड, हर मोड में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, क्लासेस अवेलेबल होंगी, ठीक है। ऑफलाइन मोड में भी होंगी क्लासेस, मतलब आप जो है वो, ये जो अभिमन्यु IAS है हमारा, ये मोहाली के अंदर फेज़ एट इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आसपास बहुत सारी इंडस्ट्री है, इसको इंडस्ट्रियल एरिया बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑफिस है, ठीक है। तो फेज़ एट मोहाली के अंदर ये यहाँ पे हमारा ऑफलाइन सेंटर है। तो आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू आर कंफर्टेबल, ओके। और ऑनलाइन मोड भी अवेलेबल है स्टूडेंट, ठीक है। ऑनलाइन मोड भी अवेलेबल है, ठीक है। इसमें आपको लाइव प्लस ऑफलाइन और सॉरी रिकॉर्डेड, ठीक है, दोनों टाइप की क्लासेस अवेलेबल हैं स्टूडेंट यहाँ पे। तो आप कोई भी मोड चूज़ कर सकते हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन, ठीक है। हमारी बहुत ही डेडिकेटेड फैकल्टी है। अभिमन्यु IAS इज़ अ 25-year-old इंस्टीट्यूट, राइट। एक रेपुटेशन है मार्केट में, ऑथेंटिसिटी है, राइट। और पंजाब सिविल सर्विसेज के अंदर सिंस 2012 से लेकर टॉप रैंक जो है हमारी, फर्स्ट रैंक जो है, दैट इज़ फ्रॉम अभिमन्यु IAS। सो आप इस ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट के साथ जुड़िए स्टूडेंट्स, ओके। और अपने PCS ऑफिसर बनने के ड्रीम को कंप्लीट कीजिए, ठीक है जी। अपने गोल्स को पूरा कीजिए, राइट, ओके स्टूडेंट। तो इसी के साथ मैं ये सेशन कर रही हूँ ओवर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।